नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन पदाधिकारियों ने निम्न मांगों को लेकर अपर जिला अधिकारी हरदोई को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि विकास खंड कछौना की ग्राम पंचायत टिकारी कोटेदार द्वारा धांधली की जा रही है। राशन कार्ड धारक किसानों को समय से राशन न देना, घट तौली आदि करना, जिसके विषय में कार्ड धारकों द्वारा पूछे जाने पर जाति सूचक गालियों का उपयोग करना सहित नगर पंचायत बेनीगंज के बस स्टॉप से बिलहैया रोड पर पूर्व चेयरमैन राम लखन अंजाना की समाधि स्थल तक पानी निकासी हेतु नाला निर्माण करना एवं विकास खंड अहिरोरी की ग्राम पंचायत डही के मजरा ग्राम सलेमपुर के बाहर से निकली फड़ायल ड्रेन नहर पर पुल का निर्माण करवाना आदि प्रमुख मांगे रही। लोकतांत्रिक युवा संगठन जिला अध्यक्ष होने के नाते किसानों की समस्याओं को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अपर जिलाधिकारी महोदय के पास में। इनको ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए हैं। इसमें कुछ निम्न मांगे हैं। एक तो है विकास खंड कछौना के ग्राम सभा टिकारी के अंतर्गत जो कोटेदार है उनके द्वारा धांधली का मामला है, जो हमारे किसान भाइयों को समय से राशन न देना और घरतौली करना, जात सूचक गालियों का उपयोग करके उनको अपने घर के पास से भगाना, राशन दुकान के पास से भगा देना, उसके साथ साथ में भड़ायल ड्रेन जो बहुत पुराना मुद्दा हमारा है उसको भी लेकर आए हैं। और एक नगर पंचायत बेनीगंज में बिलहैया रोड पर एक नाले का निर्माण होना है, जिसके संबंध में कई बार अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है पर उनकी समझ में नहीं आता है। तो यही कुछ मजबूरियां हैं, यही कुछ समस्याएं हैं जिनको लेकर मैं सभी किसान भाइयों के साथ में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। वहीं जिला अध्यक्ष पुनीत मिश्रा ने अपर जिला अधिकारी हरदोई से वार्ता करते हुए कहा कि मेरे द्वारा निम्न मांगों को लेकर जनपद स्तर के सभी अधिकारियों को बराबर अवगत कराया जाता रहा है, पर अधिकारियों द्वारा समय पर उचित कार्यवाही न करना संदेश का विषय बनता जा रहा है। हरदोई विरोची रवि प्रकाश शुक्ला के साथ कैमरामैन प्रमोद कुमार की खास रिपोर्ट।